हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, लास्ट मंथ लॉन्च हुई सिट्रॉन की एसयूवी कूपे डिज़ाइन वाली सिट्रॉन बसाल्ट, जो कि दोस्तों आई पेट्रोल इंजन में। यहां पे आपको दो पेट्रोल इंजन की चॉइस मिली, तीन वेरिएंट्स में उसको उतारा और प्राइसिंग्स भी बहुत ही ज़बरदस्त रखे। 7.99 लाख से शुरू होकर ये गाड़ी जो है 13.62 लाख एक्स शोरूम पर ख़त्म हो जाती है। लास्ट मंथ दोस्तों मैंने आपको इस गाड़ी का टॉप मोस्ट वेरियंट जो है मैक्स चेक कराया था मैनुअल ट्रांसमिशन पर, और आपको बताया भी था कि मैनुअल ट्रांसमिशन और जब आप के ऑटोमेटिक में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा फीचर डिफरेंस दिखेगा, तो मैं ऑटोमेटिक का सेपरेट रिव्यू करूंगा। तो आज मैं आपके सामने ले आया हूं सिट्रॉन बसाल्ट टॉप मोस्ट वेरिएंट मैक्स का ऑटोमेटिक वेरिएंट, और चेक कराता हूं सबसे पहले वो फीचर जो है इस गाड़ी में खास। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूं इस गाड़ी के ट्रांसमिशन के बारे में। तो देखिए, ये है इसका 6 स्पीड 80 यानी टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि कह लीजिए एक तरीके से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कह लीजिए काफी एडवांस ये ट्रांसमिशन रहता है, टॉर्क कन्वर्टर, जो कि आपको एक बेहतर पिकअप, बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। ये 6 स्पीड में दोस्तों इसमें प्रोवाइड किया गया है, जिसमें देखिए यहाँ पे P मतलब पार्किंग हो गया, रिवर्स, न्यूट्रल, और यहाँ पे देखिए D मतलब ड्राइव मोड, यानी जब आपको इसको ड्राइव करना है तो लीवर को लाना होगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे अलग अलग लेवल्स बना दिए हैं इसमें, और इन लेवल्स को क्रॉस करते हुए ले आइए इधर ड्राइव मोड पे, और ड्राइव में लाने के बाद अगर आपको इसको मैन्युअली गियर्स भी चेंज करने हैं तो ये देखिए M मेंशन किया गया है। इसको हम इस साइड ले जाके कुछ इस तरीके से प्लस या फिर ऐसे हम माइनस गियरिंग कर सकते हैं। तो ये है इस गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि टॉर्क कन्वर्टर वाला दिया हुआ है। दूसरा खास फीचर दोस्तों इसमें दे रखा है वो है इस गाड़ी के बैक सीटिंग में, यानी इसकी जो बैक की सीट्स हैं ये कंफर्टेबल बनाई गई हैं, क्योंकि इसमें जाता है ये थाई सपोर्ट एक्सटेंडर, कुछ इस तरीके का थाई सपोर्ट भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में मिसिंग है। ये 3 स्टेप पे दिया हुआ है, एक स्टेप अभी तो फिलहाल ये देखिए पूरा नीचे की तरफ है, इसको हल्का सा उठाएंगे ये उठ गया, 1, 2 और ये 3। देखिए यहाँ पे ये हो गया थोड़ा सा इस तरीके से बेंट, जिससे बन जाएगा और कंफर्ट, और वापस इसको फुलाना है ऐसे ऊपर करके नीचे कर देंगे, ये वापस से फ्लैट हो गया। एक बार बैठ के भी चेक करते हैं कि आखिर क्या कंफर्ट लेवल में फ़र्क आता है। तो देखिए, ये है कूपे डिज़ाइन वाली गाड़ी, और मैं इस समय बैठा हूँ इस गाड़ी की बैक सीटिंग में। बहुत ही ज़बरदस्त आपको इस गाड़ी में स्पेस मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त आपको कंफर्ट मिलता है। इसके जो हेडरेस्ट हैं ये भी विंच पैटर्न पे दिए हुए हैं, हल्का सा कर्व कर रखे हैं, जो कि हेड को भी प्रॉपर यहाँ पे कंफर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। हेडरूम भी देखिए, और ऑटोमेटिक में थाई सपोर्ट भी बढ़ता है। देखिए, एक स्टेप ये उठा, इसके बाद यहाँ पर इसको उठा दिया, और ये एक बार मैं कुछ को ज़रा पूरा ऊपर करता हूँ, ये तीसरे लेवल पे आ गया। हालांकि तीसरा लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, अब ये किसको कंफर्ट देगा वो तो आपकी अपनी चॉइस है। थोड़ा सा देखते हैं, हम ऐसे बैठेंगे तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये और सपोर्ट दे रहा है, लेकिन अगर इसको मैं सेकेंड लेवल पे रख रहा हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। बाकी देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी हाइट और आपकी पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड करती है कि आपको इसको किस लेवल पे रखना है। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसके जो है थाई सपोर्ट को भी 3 स्टेप पे सेट कर सकते हैं, इस तरफ के भी और दोस्तों इस तरफ के भी। सेंटर पे जो ये इतना छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये हालांकि एडजस्टेबल नहीं है, यानी मिडिल पैसेंजर के लिए थाई सपोर्ट एडजस्टमेंट नहीं है। कॉर्नर्स में जो 2 पैसेंजर्स बैठेंगे उनको यहाँ पे थाई सपोर्ट एडजस्टर मिल जाएगा। तो ये है इसके ऑटोमेटिक की खासियत। बाकी थोड़ा सा और फीचर्स यहीं के दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसमें बैक सीटिंग पे आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया गया है, 2 कप होल्डर हैं, एक यहाँ पे डिवाइस डॉक यानी डिवाइस होल्डर भी दिया हुआ है, और इस साइड पे देखिए तो रियर एसी वेंट प्रोवाइड किए गए हैं। 2 टाइप ए चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। ऊपर साइड देखिए तो यहाँ पर आपको एक लाइट मिलेगी, हालाँकि येलो बेस्ड लाइट है, और इस साइड पे फोल्डिंग ग्रिप्स, स्पेस में कोई भी कमी नहीं है, बेहतरीन यहाँ पे आपको जो है लेगरूम मिलता है। और इस साइड पे देखिए तो पॉकेट्स भी दी हुई हैं यहाँ पे फ्रंट में बैक सीटों पे। और अगर हम कंफर्ट की बात करते हैं तो देखिए, इस साइड पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मिडिल पैसेंजर के लिए भी आपको एक हेडरेस्ट भी मिलेगा। तो ये दोस्तों ऑटोमेटिक की खासियत, यहाँ पे ऑटोमेटिक में टॉर्क कन्वर्टर और थाई सपोर्ट एडजस्टर मिल जाता है। बाकी हालांकि मैं सारे फीचर्स जो हैं वो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन पे दिखा चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में फटाफट मैं फिर से क्विक रिव्यू कर देता हूँ, जिससे आपको बाकी चीज़ें भी पता चल जाएँ। तो देखिए, ये है पर्टिकुलरली ऑटोमेटिक गाड़ी टॉप मोस्ट वेरिएंट, मैं आपको मैक्स चेक करा
बता रहा हूँ। इसमें तीन वेरियंट्स आते हैं, यू प्लस और मैक्स। ऑटोमेटिक जो है वो आपको टॉप या फिर इसके नीचे प्लस वेरियंट मिलेगा। और दो इंजन चॉइसेस में ऑटोमेटिक दोस्तों सिर्फ इसके पावरफुल पेट्रोल इंजन में मिलेगा, जो कि पेओटेक 110 रहेगा, जिसका अगर हम इंजन की बात करते हैं तो पावर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 110 पीएस का। टॉर्क है 205 Nm का। ऑटोमेटिक में टॉर्क भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पिकअप भी इसमें ज़्यादा बेटर मिलेगा। बाकी ऑटोमेटिक में दोस्तों माइलेज क्लेम किया गया है 18.7 किलोमीटर पर लीटर में। तो यहाँ पे इंजन के बाद चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन की, एक्सटीरियर फीचर्स की। तो देखिए टॉप मोस्ट वेरियंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी डिज़ाइनिंग खास है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊँची और पीछे से स्लोपिंग रूफ वाली SUV कूपे पैटर्न में इसको बनाया है। फ्रंट की बात करते हैं तो देखिए इसमें आपको ग्लॉसी फिनिश की यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्रोम इंसर्ट्स दे रखे हैं, सामने से गाड़ी एक हैवी लुक प्रोवाइड कराती है। फॉग लैंप्स नीचे की तरफ प्रोवाइड किए गए हैं जो कि हैलोजन बेस्ड हैं, लेकिन हेड लैंप्स आपको इसमें मिल जाएंगे LED प्रोजेक्टर बेस्ड। और यहाँ पे देखिए इस शेप की DRL लाइट्स हैं, जो कि कह लीजिए एक तरीके से यहाँ पे सिट्रॉन की सिग्नेचर DRL लाइट्स कह सकते हैं, क्योंकि सिट्रॉन की बाकी गाड़ियों में भी कुछ इसी पैटर्न की यहाँ पे DRLs देखने को मिलती हैं। चलिए साइड की बात करते हैं और साइड लुक आपको चेक करा देते हैं। तो देखिए टॉप मोस्ट वेरियंट का एक एक्सक्लूसिव फीचर है डायमंड कट एलॉय व्हील्स। तो यहाँ पे आपको खूबसूरत एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जिसका साइज है 205/60R 16 इंच के। साइड में क्लैडिंग्स यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये पर्टिकुलरली ड्यूअल टोन कलर में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे पोलर व्हाइट और इसके रूफ ब्लैक कलर की देखिए दी हुई है। आउटसाइड मिरर्स भी इस गाड़ी के ब्लैक कलर के दे रखे हैं। हैंडल्स यहाँ पे देख लीजिए, जो कि सिट्रॉन की लगभग मेरे ख्याल से सभी गाड़ियों में कुछ इसी पैटर्न के हैंडल्स आते हैं। इसे बाहर निकले वाले हैंडल्स आपको सिट्रॉन पे देखने को नहीं मिलते हैं। इधर से हम पूरा लुक आपको चेक करा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक रेड कलर की ये मार्क किया हुआ है, एक डिज़ाइन दे रखी है, स्ट्रिप दे रखी है। सेम कुछ ऐसी स्ट्रिप मुझे अभी फ्रंट पे भी दिखी थी, ये देखिए यहाँ पे भी ये स्ट्रिप दे रखी है। तो सिट्रॉन में थोड़ा सा कलर्स के हिसाब से भी कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाती हैं। तो फिलहाल मैंने लास्ट टाइम रेड कलर दिखाया था, इस समय मैं आपको वाइट कलर पे गाड़ी चेक करा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं इसमें बैक साइड से, यानी पीछे की तरफ से आपको इसको दिखा देते हैं। तो देखिए पीछे से भी एक स्लोपिंग रूफ वाला काफ़ी खूबसूरत पैटर्न यहाँ पर ये गाड़ी डिज़ाइन करती है। टेल लैंप्स चेक कर लीजिए, जो कि यहाँ पर देखिए ऑन होने के बाद कुछ ऐसा लुक देंगे। डिफॉगर्स दे रखे हैं। टॉप मोस्ट वेरियंट में दोस्तों शार्कफिन एंटीना मिल जाता है, इसके नीचे वाले वेरियंट्स में शार्कफिन एंटीना नहीं दिया हुआ है। इसके बाद इस साइड का पैटर्न देख लीजिए, ये देखिए पूरा स्किड प्लेट्स सिल्वर फिनिश की दी हुई है। यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाएंगे और इस साइड पे देखिए कैमरे का लेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर मैंने आपको फटाफट इस गाड़ी का चेक करा दिया है। चलिए बात कर लेते हैं अंदर की तरफ, यानी इंटीरियर में देखते हैं क्या आपको इसमें फीचर्स मिलेंगे। तो ये देखिए ये इस गाड़ी का इंटीरियर लुक, लेदराइट सेटिंग। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो देखिएगा ये जो सेटिंग है इधर नीचे की इस साइड पे, हालांकि ये रैप्ड है, इससे बेटर है मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए ये यहाँ पे लेदराइट मटेरियल का यूज़ है, इधर नीचे की तरफ पूरी और इस साइड पे देखिए तो हाफ। अगर आप यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ से यहाँ तक तो लेदराइट मटेरियल का यूज़ है, बट ऊपर की साइड इधर आपको फैब्रिक, ये देखिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको, फैब्रिक मटेरियल का यूज़ किया गया है। यानी हम इसको कंप्लीट लेदराइट सेटिंग्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हेडरेस्ट जो है वो भी देखिए फैब्रिक मटेरियल पर बने हैं, यहाँ पे भी लेदर का यूज़ नहीं है। तो ये सेमी लेदराइट मेरे हिसाब से बोलना चाहिए, क्योंकि हाफ फैब्रिक और हाफ यहाँ पे लेदर का यूज़ किया गया है। सेम ऐसे ही आपको आगे वाली सेटिंग्स में भी देखने को मिलेगा। यहाँ से नीचे तक तो पूरा इसमें लेदराइट मटेरियल है और यहाँ से ऊपर तक आपको मिल जाएगा इसमें फैब्रिक मटेरियल। तो ये है इस गाड़ी की सेटिंग्स की बात। आर्मरेस्ट भी जो है, हालांकि इसमें ये अच्छी चीज़ है, ये लेदराइट मटेरियल पे फैब्रिक मटेरियल पे नहीं दिया हुआ है। और आर्मरेस्ट जो है ये आपको इसमें सॉफ्ट ट्रिम में आगे वाले हैं। एक बार जरा मैं पीछे वाले चेक कर लेता हूँ, तो पीछे भी ये हालांकि सॉफ्ट लेदराइट ट्रिम पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो इधर की चीज़ें देख ली हैं। अब जरा डोर्स पैनल्स पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे। टॉप मोस्ट वेरिएंट पे दोस्तों ट्यूटर्स भी दिए हुए हैं, जो कि इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलेंगे। और जो सेटिंग्स की बात करते हैं, तो ये मैनुअल हाइट एडजस्ट व्हील और ये कंप्लीट मैनुअल सेटिंग्स मिलती हैं। यहाँ पे टॉप मोस्ट वेरिएंट पे भी दोस्तों आपको नहीं मिलेंगी जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सेटिंग्स की, बता देता हूँ। तो देखिए रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की आपको इसमें मिलेगी, पुश स्टार्ट बटन, स्मार्ट कीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग्स को बहुत कंट्रोल में रखा गया है। इस गाड़ी की दोस्तों प्राइसिंग्स जो है वो टॉप मोस्ट वेरिएंट ऑटोमेटिक में दिखा रहा हूँ, यानी इस वेरिएंट से बसाल्ट के सारे वेरिएंट्स खत्म हो जाते हैं। ये सबसे महंगा वेरिएंट है, जिसका एक्सोरूम कॉस्ट है 13,62,000 रुपीज़। ये गाड़ी कम्प्लीट
सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो ये यूपी में ऑन रोड पड़ती है 15,92,000 रुपीज़ की, यानी कह लीजिए 16 लाख रुपये भी ये गाड़ी टच नहीं कर रही है। और 16 लाख में काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलेंगे और थोड़ा बहुत कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ों की यहाँ पे जो है कमी भी रखी जाएगी। फिलहाल वो चीज़ें अगर ऐड करते तो और कॉस्ट बढ़ जाती, तो यहाँ पे इकोनॉमी रेंज में बहुत ही मस्त फीचर्स और बहुत ही बढ़िया गाड़ी आपको मिलती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे प्राइसिंग्स अगर बात करता हूँ तो देखिए डीलर के नंबर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। मैं इस समय कानपुर आउटलेट कानपुर के सिट्रॉन शोरूम पे आया हुआ हूँ, तो आप अगर बेस्ट प्राइस पे सिट्रॉन की कोई भी गाड़ी या इवन बसाल को चला के देखना चाहते हैं तो फटाफट कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और जो है टेस्ट ड्राइव लीजिए, बेस्ट प्राइस लीजिए और परचेज करिए इस गाड़ी को। तो चलिए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो है की मैंने आपको दिखा दी है, एक तो रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की है, सेकंड यहाँ पे आपको एक नॉर्मल की मिलेगी। इसको ज़रा सा अंदर लगा देते हैं और एक बार व्यू दिखाते हैं जब गाड़ी एग्निशन ऑन हो रहा हो। ये देखिए यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम और क्लस्टर यहाँ पे डिजिटल है, खूबसूरत लुक दे रहा है। इस साइड पे भी देखिए सब यहाँ पे फिनिशिंग्स वगैरह देख लीजिए, फाइबर क्वालिटी भी अच्छी मिलती है इस गाड़ी पे। रेड कलर पे मुझे याद आ रहा है उसमें थोड़ा सा इंटीरियर लुक अलग था और वाइट पे अलग है। मैंने बताया सिट्रॉन पे कलर्स के हिसाब से इंटीरियर और एक्सटीरियर में छोटे बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इधर की चीज़ें दिखा दी हैं, डोर पैनल्स पे चेक कर लीजिए, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। आउटसाइड मिरर्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड यहाँ से कर सकते हैं। सेफ्टीज़ को भी पूरा ध्यान में रखा गया है बसाल्ट में। 6 एयरबैग्स इसमें स्टैंडर्ड दे रखे हैं, फ्रंट में आपको 2 एयरबैग्स मिल जाएंगे, साइड एयरबैग्स भी देखिए यहाँ पे फ्रंट की दोनों सीटों पे दिए हुए हैं और कर्टन एयरबैग्स भी आपको इसमें मिलेंगे इसके बी पिलर पे। तो 6 एयरबैग इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम स्टैंडर्ड फीचर है, ट्रैक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड फीचर है, हिल एसिस कंट्रोल स्टैंडर्ड फीचर है। खाली टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसके बेसिक वेरियंट को छोड़ के टॉप और सेकेंड टॉप में TPMS भी दिया हुआ है और बिल्ड क्वालिटी भी बेहतरीन है। 85% हाई ग्रेड स्टील का दोस्तों इसमें यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे कह लीजिए सेफ्टीज भी अच्छी है और फीचर्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बेहतरीन है। और भी बेहतरीन बेहतरीन फीचर्स की बात करते हैं तो बैठते जरा हम इधर स्टेयरिंग यानी ड्राइविंग साइड पे, और जब हम स्टेयरिंग का व्यू देखेंगे तो देखिए टॉप मोस्ट वेरिएंट पे आपको लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील, यहाँ पे आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एडजस्टेबल स्टेयरिंग है, कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। और इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे आपको एक इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला बटन भी दे रखा है, जिससे जब ऑन करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इंजन बंद कर देगा, जैसे हम ब्रेक को रिलीज़ करेंगे वापस से स्टार्ट कर देगा। तो एक तरीके से फ्यूल सेविंग फीचर भी आपको इसमें मिलता है। ये एक हेडलैम्प लेवलिंग का नॉब दिया हुआ है, डिजिटल मीटर है, ये देखिए फुल डिजिटल क्लस्टर आप इसमें चेक कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत भर की आप इसमें देख पाएंगे इसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज करके। ये देखिए इधर से चीज़ें यहाँ पे स्टेयरिंग से चेंज हो रही हैं। म्यूजिक भी दोस्तों आपको इसमें 10 इंच का एक बड़े साइज़ का म्यूजिक मिल जाएगा, हालांकि इसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं, तो नेविगेशन चलाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एंड्रॉयड ऑटो को। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और जब मैं इसको प्रेस करूँगा यानी नेविगेशन को तो साफ लिखकर आ जाएगा आपको अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करना पड़ेगा एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कार प्ले से। AC ऑटोमेटिक मिलेगा, टेम्परेचर को सेट करिए वो ये मेंटेन रखेगा केबिन में। इस साइड पे आपको कुछ चीज़ें और मिल जाएंगी, जैसे कि एसेसरी सॉकेट है, यहाँ पे एक पेंड्राइव लगाने का ऑप्शन है, इधर आपको स्पेसेस मिल जाएगी, वायरलेस चार्जर भी दे रखा है, हालांकि इसमें वायरलेस चार्जर अभी मुझे फिट नहीं दिख रहा है बट इसमें आपको फिट होके मिलेगा। और इधर तक देखिए तो एक स्पेस है, इस साइड पर एक आर्मरेस्ट है, स्लाइडर है देखिए, और जब इसको ओपन करेंगे तो अंदर तरफ एक छोटा सा बॉक्स भी दिया हुआ है। और इस साइड पे भी एक आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा जिसमें बेहतरीन स्पेस इधर दे रखी है। और साइड की भी सब फिनिशिंग वगैरह देखिए काफ़ी स्मूथ, काफ़ी अच्छी फिनिश यहाँ पे आपको इसमें मिलती है। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी की खासियत, कई अच्छे फीचर्स इधर दे रखे हैं। टॉप मोस्ट वेरिएंट में भी हालांकि डे नाइट फीचर वाला ये मैनुअल इनसाइड रियर व्यू मिरर है, आगे भी यहाँ पे आप लाइट चेक करिए, ये भी येलो बेस्ड है। और इस साइड पर वैनिटी मिरर, इस साइड का हालांकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये है दोस्तों इसकी चीज़ें, मैंने आपको जितने भी आगे की सेटिंग्स और पीछे की सेटिंग्स से फीचर्स हैं वो चेक करा दिए हैं। एक बार ज़रा मैं आपको इधर का बैक गियर लगा के कैमरा भी दिखा देता हूं। तो देखिए ये बैक कैमरे का व्यू आ रहा है विद स्टैटिक गाइडलाइंस, यानी इसकी गाइडलाइंस जो है स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ मूव नहीं करती हैं। तो इधर की देखने के बाद अब जरा एक बार आपको आगे की स्पेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं पीछे की सीटिंग की स्पेस चेक कराई थी और आगे की सीटिंग का स्पेस आप देख लीजिए, ड्राइविंग सीट में जब आप बैठेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको कोई भी स्पेस में कमी नहीं मिलेगी। हेडरेस्ट भी प्रॉपर है, विंच टाइप नहीं है पीछे की तरह, लेकिन ठीक है आगे का हेडरेस्ट भी अच्छा दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने केबिन के
एक्सटीरियर के सारे फीचर्स आपको चेक करा दिए हैं। अब एक बार जरा बस आपको बूट एरिया और चेक करा देता हूँ, क्योंकि ये देखिए कूपे एसयूवी डिज़ाइन में है। तो जब इसका टेल गेट ओपन होता है तो भी ये गाड़ी देखिए बड़ा खूबसूरत सा ये देखिए लुक देती है, पूरा ग्लास ऐसे उठ के, और ये वाला जो पैटर्न आता है ना बहुत ही प्यारा लुक आपको इसमें मिलता है। 470 लीटर बड़े साइज़ का आपको यहाँ पे लगेज स्पेस मिलेगा, तो स्पेस की तो कोई भी कमी आपको इस गाड़ी पे नहीं मिलेगी। स्टिल अगर आप चाहते हैं और स्पेस रखना, कोई बड़ा लगेज कभी कैरी करना, पार्सल ट्रे को हटा सकते हैं, सीट को बेंड कर दीजिए और बना लीजिए एक खूबसूरत एक बेहतरीन यहाँ पे स्पेस। चलिए अब एक चीज़ और दिखा लेते हैं। तो स्पेयर व्हील इधर रखा हुआ है, ये एक नॉर्मल स्टील पे है और साइज़ भी यहाँ पे छोटा है दोस्तों, ये आपको एक इंच छोटा 15 इंच का मिलता है। एक और चीज़ नोटिस करिएगा, मैं आपको बार बार केबिन में एक चीज़ बता रहा था कि जो लाइट्स हैं वो येलो बेस्ड हैं, तो यहाँ पे केबिन की लाइट्स तो येलो बेस्ड दे दी हैं, लेकिन जो है लगेज लैम्प ये LED बेस दे दिया है। हालांकि इसको अगर उल्टा कर देते यहाँ पे एक बार जो है वो दे देते येलो वाला लैम्प और केबिन पे LED देते तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहता, बट पता नहीं ऐसा क्यों किया फिलहाल, लेकिन ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन लुक मिलता है सिट्रॉन बसाल्ट में। सारी चीज़ें देख ली हैं, ऑटोमेटिक वेरियंट दिखा दिया है, थाई सपोर्ट देख लिया है, टॉक कन्वर्टर वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपने चेक कर लिया है। कैसी लगी प्राइसिंग्स को देखते हुए, 16 लाख से भी कम प्राइस में दोस्तों ये गाड़ी मिल आती है। हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा इस गाड़ी की कंप्लीट जो भी आपकी राय हो। बाकी इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं तो डीलर्स के नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप फटाफट कांटेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे और रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।